तो इधर मॉर्निंग का चाय बन रहा है मेरे लिए और नाश्ता भी रेडी हो चुका है। आज चाउमीन नूडल्स का नाश्ता बनाया है। निखिल के लिए हमने चूड़ा का पोहा बना दिया है, लंच बॉक्स में वो लेकर चला गया और नाश्ता भी कर गया है। तो ये बनाया है चाउमीन नूडल्स, नाश्ते में बनाया है चाउमीन नूडल्स। तो चलिए सबके लिए निकालते हैं यहाँ बर्तन में और नाश्ता करते हैं। पांच फोरन और तेज़पत्ता का तड़का लगाकर मैं यहाँ पर आलू को भून रही हूँ। आलू को लाल लाल फ्राई करना है, ये मोचा की सब्ज़ी बनाएंगे। उसको मैंने थोड़ा सा हल्दी नमक डाल करके बॉईल कर लिया है और उसका पानी निकाल करके, पानी निचोड़ करके इस तरीके से हमने फाइन चॉप कर लिया है। इसका बहुत ही अच्छा सब्ज़ी भी बनता है और इसका चॉप भी बनता है, यानी कि पकौड़ा भी बनता है। तो सब्ज़ी बनाते हैं आज। आलू थोड़ा सा भून जाए फिर इसमें प्याज डालेंगे, एक मीडियम साइज का प्याज है। और इधर मसाले में हमने अदरक लहसुन हल्दी मिर्ची जीरा और धनिया लिया है, यही मसाला है जो कि इसमें जाएगा। तो आलू यहाँ पर हल्का सा भून गया है, इसमें प्याज डाल देते हैं। और प्याज को भी आलू के साथ गुलाबी होने तक इसको भून लेते हैं। यहाँ पर आलू और प्याज गुलाबी भुन गया है, देख सकते हैं इस तरीके का भुना होना चाहिए। इसमें मसाला ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा मसाला बचा लेंगे। मसाले अच्छे से भुनने के बाद इसको भी डालकर साथ में भुनेंगे और नमक भी डाल देंगे साथ में। केले के फूल यानी कि मोटा की सब्जी थोड़ा सा सूखा सूखा ही बनता है। और इस सब्जी में भिगाया हुआ चने की दाल या फिर चना भी आप डाल सकते हैं, उससे भी यह सब्जी अच्छी लगती है। बड़ी भी इसमें डाल सकते हैं, सूखी बड़ी जो आती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं तो भूल गई थी चना भिगोने रात को, तो नहीं डाल पा रही हूँ। तो एक बार डाल कर बनाइएगा, अच्छा बनता है। अभी मसाला को अच्छी तरीके से भून लेंगे ऑयल छोड़ने तक। तो सब्जी में हमने नमक और पानी डाल दिया, जितना सब्जी को पकने के लिए लगेगा पानी। अब इसमें डाल देते हैं गरम मसाला पाउडर और एक बार मिक्स करके इसको ढक कर पकाते हैं। ये सब्जी थोड़ा सा सूखा सूखा सा बनेगा, यानी कि लटपटा सा बनेगा। तो इसको अभी अच्छे से पकाते हैं ढक करके। और एक तरफ इधर भात बन रहा है, दाल अभी चढ़ाएंगे, सब्जी हो जाएगा। तो ये लंच की प्रिपरेशन हो गई है। और यहाँ पर हमने केले का फूल थोड़ा सा बचा दिया है, इसका पकौड़ा बनाएंगे। घर में किसी और को पसंद नहीं है, मैं बनाऊंगी अपने लिए। और ये मसाले से भी मैंने थोड़ा सा बचाया है जो कि मैं इसमें डालूंगी। बेसन डालूंगी और एक छोटा सा आलू का एक टुकड़ा मैं इसमें डालकर नमक के साथ इसको मिक्स करके इसके बड़े बनाऊंगी। केले की फूल की सब्जी इधर बनकर तैयार है, इस तरीके से हमने बनाया है सूखा सूखा। सब्जी तैयार है, इसे निकाल लेते हैं। 5:45 का टाइम हो गया है, दोपहर को बारिश भी हुआ था, छत भीगा भीगा सा है। नहा कर आ गए हैं, अब चलते हैं, संध्या बत्ती दिखाएंगे, थोड़ा सा और ढल जाए दिन। अभी थोड़ा साफ साफ है। तो छत पर आए थे नहा वहा कर फिर से। यहाँ पर कुछ प्लांटिंग का काम था, गार्डनिंग का, वही किए हैं। अब चलते हैं, थोड़ा बैठ कर टाइम हो रहा है तो फिर पूजा पाठ करेंगे। तो दोपहर को ही खाना पीना बना, खा पी कर सो गए, जैसे मेरी आदत है। मतलब दोपहर का खाना पीना कर लो उसके बाद से नींद आता है, तो वही एक घंटा के लिए सो जाते हैं, फिर उठ कर ब्लॉग वगैरह एडिट करते हैं, फिर उठते हैं तो अपना शाम का रूटीन स्टार्ट हो जाता है। और कपड़ा ढेर सारा डाले थे, जैसे सोचे कि सोने जाएं वैसे ही इतनी तेज़ बारिश आ गई, बहुत तेज़, सारा कपड़ा उठाना पड़ा। और ये देखिए अपराजिता का फूल है। यहाँ पर ही कुछ काम मैं कर रही थी तो ये देखिए ये सारा फूल, जो क्या बोलते हैं, ये बैंगन का फूल है,
सारा अपने आप ही टूट कर गिर रहा है, ये हो गया ये हो गया, कई सारा फूल हवा से अपने आप ही गिर जा रहा है, बहुत ही दुख होता है। और आज इसी में से कुछ पत्ता तोड़ कर ले गए थे तो उसका बनाए थे पकौड़ा वगैरह, अब ये सारे पत्ते छोटे छोटे हैं, एक बार बड़ा बड़ा होगा तो ढेर सारा होगा तो फिर बनाएंगे। लेकिन सारा फूल तो गिर जा रहा है, रुकेगा फूल तो फिर इसमें फल लगेगा, यानी कि बैंगन लगेगा। इस तरीके की घटा छाई हुई है, बारिश तो फिर आएगा। चिड़ियों की झुंड देखिए, ये चिड़ियों की झुंड, तो रोटी बन गया है और इधर आ गया है पनीर मार्केट से, तो इसको एक बार धो लेते हैं, बिना धोए हम नहीं बनाते हैं। इसको धोकर फिर कट करेंगे। धो लिए हैं, अब इसको छोटा छोटा कट कर लेते हैं, साथ ही प्याज और शिमला मिर्च को भी कट कर लेंगे। प्याज शिमला मिर्च कट करके इसको भी साथ में डालकर बनाएंगे, तो इतना काफ़ी है, इतना पनीर के लिए इतना रख देते हैं। तो पनीर बनाने के लिए इधर सारा कटिंग चॉपिंग किए, तब तक हमारा दूध भी गर्म हो गया है, दूध भी हमने चढ़ा दिया था, दूध उतार लेते हैं। और इधर पनीर कट कर दिया हमने, प्याज कट कर दिया इस तरीके से स्क्वायर्स में, और इसको स्प्लिट कर लिया है, और थोड़ा सा शिमला मिर्च भी डालेंगे। टमाटो यहाँ पर कुछ हमने ग्रेट करके लिया है, कुछ चॉप करके लिया है बारीक बारीक कट करके, यानी कि एक टमाटर हमने बारीक कट करके लिया है। और मसाले में यहाँ पर धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, एक चुटकी जितना हल्दी, और ये सांभर पाउडर। तो यही बेसिक मसाला है जो इसमें जाएगा, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं डालूंगी। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। चुटकी भर हल्दी डालकर मैं पनीर को फ्राई कर रही हूँ, और देखिए पनीर से कितना सारा घी निकल कर आ गया है, फुल क्रीम पनीर है, तो बहुत ही टेस्टी बनता है फुल क्रीम पनीर का कोई भी रेसिपी। और ये देखिए इतना सारा घी निकल गया है इसमें से, मैंने बिल्कुल थोड़ा ही तेल डाला था, और ये देखिए इसी वजह से ये पनीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। वैसे भी कई बार पनीर की रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है, तो अभी डिटेल में नहीं बताएंगे। पनीर को यहाँ पर गोल्डन फ्राई करके निकाल लेंगे। इधर मसाला और टमाटर भी हमने अच्छे से भून लिया है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है, और इसमें घी या ऑयल जो भी है वो छोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने पनीर को गोल्डन होने तक फ्राई कर दिया था इस तरीके से, और प्याज शिमला मिर्च को भी फ्राई करके अलग हटा लिया है। मसाला यहाँ रेडी है, दोनों को डाल करके जितना हमें ग्रेवी रखना है उतना पानी डालेंगे, बस यही करना है, और 4-5 मिनट के लिए इसे पका लेना है। तो बहुत लोगों के यहाँ थिक ग्रेवी वाली बनती है, लेकिन हमारे घर में इस तरीके की ग्रेवी वाली पसंद आती है सभी को, तो मैंने इतना पानी डाला है, पानी कम भी डाला जा सकता है। तो इसको पकने देते हैं, खोलने देते हैं, फिर जाकर सारा जो पनीर और सब्जी है डालेंगे। हो गई पनीर की सब्जी रेडी, इतना ग्रेवी हमने रखा है, तो इसको उतारते हैं और सभी के लिए सर्व करते हैं। बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा कलर आया है, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं, जस्ट पनीर का कलर देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आया है। और इधर रोटी भी बन गया है, तो चलते हैं सभी को खाना देते हैं। और आज के लिए ब्लॉग को भी यहीं पर कम्प्लीट करते हैं, यहीं पर ब्लॉग को एंड करते हैं। आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। आप सभी अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय।